हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं हम नक्षत्र उपनक्षत्र को कैसे कैलकुलेट करके और कैसे रिजल्ट निकालते हैं। तो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा फल देते हैं किसी प्लैनेट के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे सन ले लीजिए आप। सन जो है वो अगर वीनस के नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है। या उपनक्षत्र में या नक्षत्र में, दोनों में से एक में हो या फिर दोनों में हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक ये तारा नक्षत्र सिस्टम होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, और यदि वो उस नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा फल देगा। तो इसमें कुछ नियम है, जैसे वीनस है वो केतु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देगा, या केतु के उपनक्षत्र में है तो बहुत अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार से अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से प्लैनेट किन किन नक्षत्रों में है और कौन कौन से प्लैनेट आपके बहुत अच्छा फल देंगे, या कौन कौन से अच्छे नक्षत्रों में आपके प्लैनेट हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नक्षत्र के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रांग है और कौन सा प्लैनेट आपका बहुत वीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, राहु जो है वो कौन से नक्षत्र में बहुत अच्छा होता है, आप हैरान रह जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में राहु बहुत अच्छा होता है। यदि राहु मंगल के नक्षत्र में या उपनक्षत्र में है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके रूल हैं, आप रूल जान सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करके, और इसके एक मैथमेटिकल रूल के हिसाब से हम बताते हैं और आसानी से आप पता कर सकते हैं।